हेलो स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं यूनिट फर्स्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इस यूनिट फर्स्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का एक चैप्टर हमने कंप्लीट कर लिया है, जिसके 28 वीडियोस जो है वो प्लेलिस्ट में है फिजिक्स के आत्मा पर, ठीक है। और चैप्टर नंबर 2 हम स्टार्ट करेंगे इसी यूनिट का आज, इस इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस में हम पढ़ने वाले हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है, ठीक है। व्हाट इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल? तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की डेफिनेशन है, हम इसकी यूनिट देखेंगे, इसके टाइप्स देखेंगे, ये किस टाइप की क्वांटिटी है, स्केलर है कि वेक्टर है, ये सब इसमें हम देखने वाले हैं, ओके। तो आइए स्टार्ट करते हैं। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, या इसका नाम हम सिर्फ पोटेंशियल भी दे सकते हैं, द रेशियो वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ टेस्ट चार्ज फ्रॉम इनफाइनाइट, ठीक है। मतलब इन्फिनिटी से किसी भी टेस्ट चार्ज को, टेस्ट चार्ज आप जानते हो ऐसा चार्ज, टेस्ट चार्ज क्यू नॉट, इसे हम इन्फिनिटी से लेके आएंगे और हम किसी फील्ड में इसको टेस्ट करने के लिए यूज करते हैं, सिर्फ ये पता लगाने के लिए कि वो जो फील्ड है वो पॉजिटिव चार्ज की फील्ड है या नेगेटिव चार्ज की। अगर पॉजिटिव चार्ज की है तो यहाँ पे रिपल्शन करेगा ये, और अगर नेगेटिव फील्ड की है तो क्या होगा, वहां पे अट्रैक्शन होगा। तो एक टेस्ट चार्ज को लाने के लिए इन्फिनिटी से जो वर्क होता है एट इलेक्ट्रिक फील्ड टू मैग्नीट्यूड ऑफ टेस्ट चार्ज इज कॉल्ड पोटेंशियल एट दैट पॉइंट, ठीक है। द रेशियो वर्क डन, रेशियो निकालेंगे किसका रेशियो रहेगा, तो एक तो वर्क डन का रहेगा और एक रहेगा टेस्ट चार्ज का, ठीक है। वर्क डन और टेस्ट चार्ज का रेशियो, ओके, सबसे पहली चीज तो ये क्लियर हुई, ओके। द रेशियो वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ टेस्ट चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी, मतलब जैसे एक आपका पॉजिटिव क्यू नॉट, सॉरी पॉजिटिव क्यू चार्ज है, ये ओ पॉइंट पर रखा है, इसकी इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड मान ली जाएगी इस डायरेक्शन में यहां तक है, इनफाइनाइट पर एक टेस्ट चार्ज है, इनफाइनाइट पर एक टेस्ट चार्ज है Q0, इसको हम लेके आएंगे, इस Q0 चार्ज को लेके आएंगे इनफाइनाइट से इस चार्ज की किसी भी पॉइंट पर। तो इसका ये पॉइंट है, मान लिया जाए कि ये पॉइंट है यहां पर A, इस पॉइंट A पर हम लेके आ गए, किसको लेके आए, Q0 चार्ज को, Q0 चार्ज को हम लेके आए, इसकी इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक, इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड में हम लेके आए। तो कुछ वर्क डन करना पड़ा, तो यहां पर वर्क कितना हुआ, तो यहां पर वर्क डन हुआ इन्फिनिटी टू A, कहां से कहां लेके आए, इनफाइनाइट से A तक लेके आए, ठीक है। तो इनफाइनाइट से A तक किसको लेके आए, Q0 चार्ज को। तो इस Q0 चार्ज के इस पॉइंट पर अगर हम इन दोनों का रेशियो निकालें, वर्क का और Q0 चार्ज का, तो वो रेशियो ही आपका क्या कहलाएगा, पोटेंशियल कहलाएगा, या आप उसको बोल सकते हो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, कॉल्ड पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ठीक है। वापस देखिए, द रेशियो वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ टेस्ट चार्ज, इस टेस्ट चार्ज को हम लेके आए फ्रॉम इन्फिनिटी टू अ पॉइंट इन इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड के किसी पॉइंट तक लेके आए, टू मैग्नीट्यूड ऑफ टेस्ट चार्ज, इस टेस्ट चार्ज का जो मैग्नीट्यूड लेंगे मतलब वो क्यू नॉट है ना। तो इन दोनों का ही रेशियो, किस किस का रेशियो, वर्क डन का और टेस्ट चार्ज, इन दोनों का जो रेशियो है वही, उसी को हम क्या बोलेंगे, पोटेंशियल ऑफ दैट पॉइंट। इट इज डिनोटेड बाय वी, और ये कैसी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है। इसको डिनोट करेंगे वी से, क्या है, स्केलर क्वांटिटी। तो फॉर्मूला क्या बनेगा, तो यहीं से देखिए, द रेशियो, तो रेशियो किस किसका, यहां पर लिखेंगे हम पोटेंशियल या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इक्वल्स टू रेशियो वर्क डन डिवाइड बाई टेस्ट चार्ज, टेस्ट चार्ज, ये बन गया इसका फॉर्मूला, सिंपल है ना, द रेशियो वर्क डन डिवाइड बाय टेस्ट चार्ज, ओके। पोटेंशियल को डिनोट करते हैं V से, वर्क डन को W से, और टेस्ट चार्ज को Q नोट से। अब जो वर्क डन है यहां पे आप देख सकते हो इनफाइनाइट टू A, क्योंकि आप कहां से कहां लेकर आए इसको, इनफाइनाइट से A तक, या ऐसा नहीं लिखना चाहो तो आप सिंपल लिख सकते हो V इक्वल्स टू W बाय Q नोट, ये फॉर्मूला हो जाता है आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का, या सिर्फ पोटेंशियल का, ओके। अब आपने यहाँ पे बता दिया किसको V से डिनोट करते हैं, और ये किसी क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी। अब ये होता क्या है कि कितने टाइप्स के होते हैं, तो टाइप्स ऑफ पोटेंशियल, टाइप्स ऑफ पोटेंशियल, पोटेंशियल जो होता है वो थ्री टाइप्स का होता है। पहला क्या होता है, तो एक होता है पॉजिटिव पोटेंशियल, सेकेंड होता है नेगेटिव पोटेंशियल, और थर्ड होता है जीरो पोटेंशियल, नेगेटिव पॉजिटिव और जीरो, ठीक है। पोटेंशियल को आप पॉजिटिव कैसे डिनोट करोगे, तो देखिए अगर हमको हर बार लाना तो क्यों नोट चार्ज है इनफाइनाइट से, लेकिन यहां पर जो आपका पहले से रखा हुआ चार्ज अगर पॉजिटिव है, ये चार्ज क्या है, पॉजिटिव, तो इनके बीच में क्या होगा, रिपल्सर होगा। तो पॉजिटिव चार्ज की वजह से जो पोटेंशियल होगा, इस पॉजिटिव चार्ज की वजह से इस पॉइंट ए पर, इस पॉइंट ए पर जो पोटेंशियल होगा उसको बोलेंगे वी ए, क्या बोलेंगे इसको, वी ए। तो ये पोटेंशियल कैसा हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। अगर आपने यहाँ पे नेगेटिव चार्ज रखा तो आप नेगेटिव चार्ज की फील्ड में इस क्यू नोट को लेकर आएंगे, तो चार्ज पोटेंशियल कैसा जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। और अगर वर्क डन ही जीरो जाए, इसको लाने में कोई वर्क डन नहीं किया जाए, तो यहां पे जो है आपका पोटेंशियल क्या जाएगा, जीरो जाएगा। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं यूनिट ऑफ पोटेंशियल। तो यूनिट ऑफ पोटेंशियल जो होती है वो होती है, एक वर्ड में अगर हम बोले तो इसको वोल्ट बोलते हैं, क्या बोलते हैं, वोल्ट। इसकी जो यूनिट होती है क्या होती है, वोल्ट। लेकिन इसकी एक यूनिट और बनेगी, तो कहां से बनेगी, वो यहां से बनेगी, फॉर्मूले से। वर्क की यूनिट होती है जूल, और चार्ज की यूनिट होती है कूलम, ठीक है। तो ये जाएगी आपकी जूल पर कूलम। तो इस तरीके से आपकी एक यूनिट तो हो गई वोल्ट, और एक हो गई जूल पर कूलम, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं इसके डायमेंशन फॉर्मूले की।
इसका डायमेंशन फॉर्मूला क्या बन सकता है, तो डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ पोटेंशियल, डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ पोटेंशियल। तो ध्यान से देखिए, आप वोल्ट से तो डायरेक्ट आपको याद रखना पड़ेगा, लेकिन यहां से बना सकते हैं। जूल के लिए क्या यूज करते हैं डायमेंशन फॉर्मूला, तो इसके लिए हम यूज करते हैं एम एल स्क्वायर टी माइनस टू, इलेवन क्लास में बहुत अच्छे से पढ़ा आपने। डिवाइड बाई कूलम के लिए यूज करते हैं हम एटी, क्या यूज करते हैं एटी। ओके, तो यहां से डायमेंशन फॉर्मूला का कैलकुलेट कर लीजिए। एम कितनी बार है, एक बार एल, एल की पावर दो, इसके बाद देखिए टी की पावर माइनस टू है, यहाँ पे टी एक बार ही ऊपर जाएगा, टी की पावर हो जाएगी माइनस थ्री, और ए की पावर भी ऊपर जाके क्या होगी माइनस हो जाएगी। तो इस तरीके से क्या जाएगा डायमेंशन फॉर्मूला। तो बच्चों मैं आशा करता हूँ आपको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के डेफिनेशन, कैसी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है, इसका फॉर्मूला, ठीक है, इसके टाइप्स ऑफ पोटेंशियल, यूनिट और डायमेंशन फॉर्मूला बहुत अच्छे समझ में आएगा। अब मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।